जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं 202 फाइनल टर्म करंट पेपर 2022 और आप देख रहे हैं यूट्यूब लाइफ स्टार अकेडमी। आज आपसे करंट पेपर जो ओरिजिनल करंट पेपर है वो आपसे शेयर करेंगे, ठीक है, 2022 का। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन ठीक हैं, कौन से गलत हैं, ठीक है। सारे MCQs आपसे शेयर करूँगा, टोटली जितने भी MCQ करंट पेपर देख लें। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो टाइम आप चेक कर लें, ठीक है, 2022 का है। और ये आपका एग्ज़ाम जो है बच्चे दे रहे हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी पहले भी कुछ पेपर दिए हैं, उसमें आपको पता ही है कि 150 टाइम है, ठीक है। तो ये हमारा जो करंट पेपर है, ये लीक आउट करंट पेपर है, ठीक है, वो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एज ए ब्रदर, एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन होगी उसको दबा के आप पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको आसानी से मिल सकें और आप तैयारी कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ठीक है, आपने मेथड देखना है ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो आप इसके अंदर पी आपका प्लस जो है दायरे के अंदर दिया गया है क्यू इक्वल, तो ये किसके बराबर है, ये आपसे उन्होंने पूछा है। आपके हैंड आउट्स के ऊपर जाके हम देखते हैं, वहाँ से इसका सलूशन जो है वो हम देखते हैं कि ये किसके ऊपर है। हैंड आउट्स के ऊपर चले जाएं तो आउट्स के ऊपर अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं, ठीक है, तो फिर आप यहाँ से देखेंगे ये सारी की सारी सिचुएशंस उन्होंने आपके सामने रखी है, ठीक है। तो आपके पास क्या है आंसर, ये देखें, यहाँ से ये आंसर है, ठीक है। अगर नीचे देखें तो नीचे भी यही आंसर मौजूद है, ठीक है। तो लिहाजा हमारे पास आंसर कौन सा ठीक है, ये वाला पी आपका जो लेस देन नीचे को है और क्यू, और उसके बाद आप लोगों का ऊपर को ग्रेटर देन है, और इस तरह से आपके जो है ये क्वेश्चंस जो है आपके प्रोवाइड की गई। तो लिहाजा हमारे पास आंसर कौन सा ठीक रहेगा, हमारे पास आंसर जो है वो बी ठीक रहेगा, ठीक है, इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, वेरी इंपॉर्टेंट, और पेपर में काफ़ी दफ़ा आया भी है, बल्कि और आपके सामने आ भी रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये क्या करना है, इसी का आंसर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और बकायदा मैंने सॉल्व तो किया हुआ है, लेकिन आपको आंसर मैं बुक पे दिखाना चाहता हूँ कि आपके जो आंसर हैं वो किसी में डाउट ना हो, ठीक है, यानी कि आंसर में डाउट ना हो। नेक्स्ट क्विज की तरफ नहीं जाएंगे, इसको पहले कवर करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, जिस क्विज़ की मैं बात कर रहा था वो क्विज़ ये वाला है, और यहाँ से ये वो क्विज़ जो है वो उठाया गया है, देख लें यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से आपका क्विज़ जो है वो पिक किया गया है। तो वैलिड इसके अंदर आंसर ठीक है, क्या है, वैलिड। तो आपके क्विज़ के अंदर क्या है, यही ये देखें, ठीक है, डी आंसर नहीं बल्कि सी आंसर हमारा ठीक है, ना ही फॉल्स है ना ही इनवैलिड है, वैलिड है, वैलिड, ठीक है। तो लिहाजा हमारे पास आंसर सी ठीक है। नेक्स्ट क्विज की तरफ जाएं तो आपका लिखा हुआ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए एंड बी टू सेट्स हैं, और क्या है, सेट विच इज कंटेन्स दो एलिमेंट्स देन बिलोंग किसके साथ करें, टू के साथ, यानी ए एंड बी है। तो फिर ए एंड बी के साथ जब हम दोनों सेट्स को बिलोंग करते हैं, यानी कि उसके एलिमेंट्स उसके अंदर होते हैं और उसके एलिमेंट्स उसके अंदर होते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, चलें इसका भी आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर मैंने नेट पे चेक कर लिया है, इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। आप खुद भी स्टेटमेंट्स को लिख के देख सकते हैं, ठीक है, और इसको आप खुद भी जो है चेक कर सकते हैं। तो वो क्या कहता है कि इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी आपका जो सेट रहेगा, और इसका आंसर जो है हमारे पास बी ठीक है, ठीक है, मैंने कवर कर दिया है, नेट से मैंने ये सर्च किया था, बुक्स में से थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल था। जी डियर स्टूडेंट्स, इसकी बात कवर होगी, ठीक है, नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फोर है, दी ऑपरेशंस ऑफ इंटरसेक्शंस, इंटरसेक्शन के ऑपरेशंस हैं, एंड यूनियन सेट्स कम्यूटेटिव्स, ये यानी कि इनके दरमियान क्या इनका कम
इंट्यूटिव है, तो आप लोगों ने इसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स बताना है, बिल्कुल इसके अंदर है, यानी एक दूसरे के साथ ये हैं ऑपोजिट होते हैं, यानी कि ये इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। यूनियन के अंदर हम तमाम अरकान्स को तरतीब वाइज लिखते हैं, और इंटरसेक्शन के अंदर जो है तमाम अरकान्स को क्या कर देते हैं, जो कि कॉमन लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने जहन में रखना है, मज़ीद भी आपको डिस्कस कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप कहते होंगे सर ने वैसे ही बता दिया, ऐसी बात नहीं है, ये सही नहीं है। तो आपको प्रूफ देने के लिए डिप्रेशंस ऑफ इंटरसेक्स यूनियन मैंने सर्च किया, द यूनियन इंटर एंड इंटरसेक्शन सेट हैज़ बीन, जो आप लोगों का करता है किसके ऊपर एडिशंस भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होते हैं ऑफ नंबर के, एडिशंस मल्टीप्लिकेशंस ऑपरेटर यूनियन एंड इंटरसेक्शंस, ये देखें कम्यूटेटिव है एंड सोशिएटिव हैं, कम्यूटेटिव ही हैं एंड सोशिएटिव हैं, कौन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है। एंड द इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट भी होते हैं, ठीक है, ओवर यूनियन के ऊपर। तो लिहाजा इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, कम्यूटेटिव है एंड सोशिएटिव है, दोनों ही मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने हमसे कम्यूटेटिव पूछा है, तो लिहाजा हमारा आंसर इसलिए करेक्ट है, यानी कि सही है, ट्रू है जी। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं जी। आपके पास क्वेश्चन है, क्या कहा है उन्होंने, उन्होंने कहा कि f ऑफ x इक्वल टू किसके बराबर, 2x प्लस 1 है, g ऑफ x इसके बराबर है, इन दोनों का जो है कि आप लोग फाइंड करें f ऑफ x एंड g ऑफ x, यानी कि दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करें। तो यहां से अगर दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं आप 2x प्लस 1, ठीक है, और वहां पे क्या है आपका x स्क्वायर माइनस 1, इसको गौर से समझना है, इसको हल करना है आप लोगों ने, ठीक है। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपके पास आएगा आंसर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर जी। डी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हम कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि एफ ऑफ एक्स, ठीक है, यानी जी ऑफ एक्स का तो अभी जिक्र ही नहीं किया, तो आपने क्या करना है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के अंदर ही पुट कर देनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स, तो आपकी क्या है 2x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे अब एक्स है ना, यहाँ पे वहाँ पे हम जाके यही वैल्यू पुट करें, अब इसके अंदर वैल्यू यही पुट करेंगे तो 2 तो हम बाहर निकाल देंगे, एक्स के अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे, कौन सी, ये वाली 2x प्लस 1, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास प्लस ये, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4x, ठीक है, 4x बन जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 बन जाएगा, 2 और 1 3, यानी हमारे पास आंसर जो है 4x जो है और प्लस 1 आपके पास आंसर जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। लिहाजा इसके लिए हमारे पास सी जो आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलें तो यहाँ पे देखें, टाइम थोड़ा सा जल्दी हो गया, उन्होंने कहा है कि एफ ऑफ 4 इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स 1 है, तो एफ ऑफ एंड जी ऑफ एक्स मालूम करें, तो जब आप इसके साथ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों फंक्शंस को, यानी एक को मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा फंक्शन कौन सा है 4, तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा 4, यानी कि दोनों फंक्शन एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर रहेगा 4, तो 4 आंसर मौजूद है आपका जी, इसीलिए हमारे पास इसका आंसर क्या रहेगा 4, ठीक है। मैंने ये 4 पे क्लिक कर दिए, इसका आंसर 4 है, और इन दोनों वैल्यू को ये 4 को और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स जो है हमारे पास क्या आएगा 4 आंसर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्विज की तरफ जाएं तो यहाँ पे आप लोगों का लिखा हुआ है फॉर द रियल नंबर्स एंड द बी एंड, ये आपको ए प्लस बी बी माइनस ई एंड ए मल्टीप्लाई बी एंड ए प्लस, ये आपको दिया गया है, और ये कौन सा लॉ है, तो आप लोग यहाँ से अगर देखें तो ये ए जमा हो रहा है माइनस बी हो रहा है, ये तो आर्थमेटिक्स होगा, जोमेट्रिक्स होगा, हार्मोनिक्स होगा, तो इसमें हमारे पास ये लॉ है जो प्लस माइनस हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आर्थमेटिक्स लॉ है, यानी कि आर्थमेटिक्स एक्सप्रेशंस हो रही हैं, ठीक है, थीके? आप इसको हैंड आउट्स के ऊपर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, आसान सा क्वेश्चन था ये, आपके पास सीरीज़ है और आप लोगों की ये सीरीज़ बताई गई है कि ये क्या है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं n ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है, तो देन आप लोग देखेंगे तो इसका p ऑफ k क्या होगा,
तो ये आपके कुछ फार्मूलेस हैं चैप्टर के अंदर, वहाँ से आपको देखें तो यहाँ से आपको ये आंसर सही बिल्कुल करेक्ट मिल सकता है। दिखा भी देता हूँ मैं। जी डी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था आपके हैंडआउट्स के ऊपर, देखें ये सारी सीरीज़ एन के अकॉर्डिंग जो है वो शेयर की गई है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास एन है, अगर हम उसको के में कन्वर्ट करें फिर उसको हल करें तो हमारे पास क्या सिचुएशंस आती हैं, ये देखें ये सारी सीरीज़। तो इसी के अंदर भी यही कहा गया है कि वो कह रहा है कि यहाँ से लेके एन तक हमारे पास ये सिचुएशंस आती हैं, ये देखें इससे लेके एन तक हमारे पास ये सिचुएशंस आती हैं। अगर मैं, वो कहता है कि मैं के कह देता हूँ, यहाँ पे के कह देता हूँ, एन की जगह पे के कह देता हूँ, तो फिर क्या सिचुएशन आएगी? सिचुएशन सेम ही आएगी, लेकिन यहाँ पे आपका एन के आ जाएगा और यहाँ पे भी के आ जाएगा, और आप इसके ऊपर भी देखें तो यही सिचुएशंस आपके सामने रहेगी, ठीक है। तो लिहाजा हमारे पास ये वाला आंसर जो है वो ठीक है, करेक्ट आंसर हमारे पास ये ठीक है, क्योंकि ये तो उन्होंने दे दिया ना, हमने उन्होंने कहा है कि के मुताबिक दे, ये नहीं ठीक होगा, ये भी नहीं ठीक होगा, तो लिहाजा इसमें हमारे पास आंसर ये वाला ठीक रहेगा। आपको मैंने हैंडआउट्स के ऊपर भी दिखा दिया है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां से देखें ये इंटरेक्ट हो रहा है प्रूफ इसका स्टेटमेंट्स का, तो ये इन्वॉल्व किसके ऊपर होगा? आप लोगों का ये टेबल मैंने कहा था पढ़िएगा तो फिर आपको पता चलेगा। ये कंसीडिंग करना पड़ेगा किसके ऊपर? कंसीडिंग पी के एंड देन हम रीच करेंगे क्यू के ऊपर, ठीक है। ये वाला भी अच्छा खासा जो आता रहता है टेबल, तो लिहाजा इसका मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ प्रूफ भी। जी डी स्टूडेंट्स, जिसकी मैं बात कर रहा था, अगर इनडायरेक्ट हम करते हैं तो ये देखें पी से क्यू की तरफ होगा, ठीक है। यहाँ से भी पी एंड क्यू होगा, ये सारे के सारे आप लोगों को पहले बताए गए हैं। यहाँ से देखें पी एंड क्यू, ठीक है। यहाँ से भी आप ये प्रूफ देख लेना, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। पी एंड क्यू, यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा? हमें ना ही ये लेना पड़ेगा, ना ही ये वाला पी एंड प्राइम क्यू लेना पड़ेगा, हमें पी एंड क्यू जो है हमें लेना पड़ेगा, उसके बाद हम इसके ऊपर रीच कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ से वो कहता है कि ये बराबर हो तो ये किसके बराबर होगा? तो देखें ये आपका एन फैक्टोरियल वैसे तो जो बराबर होता है, यानी ज़ीरो फैक्टोरियल बराबर वन के होता है, ये बात याद रखनी है, ज़ीरो का फैक्टोरियल। अगर वो कहता है एन फैक्टोरियल है तो वो ग्रेटर देन है टू से, तो देन बताएं, तो बता देते हैं हम। जी डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर हमारे पास फोर होगा। कैसे? अगर हम इसको और डबल करते हैं, इसको एन ऊपर इसकी पावर है ना, तो जब एन को बैक पे लेके जाएंगे, ठीक है, तो यानी कि एन मल्टीप्लाई टू, यानी कि इसकी पावर जो है आपकी डबल हो जाएगी, यानी कि टू को टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या टू को टू से प्लस हम करेंगे, तो लिहाजा हमारे पास क्या आ जाएगा? फोर। फोर वाला ये वाला आंसर ठीक है, लेकिन ये इसी तरह सी है तो फिर आपका ये इसी तरह सी रहेगा। अगर ये माइनस में होता तो फिर हम इसको चेंज कर लेते, लिहाजा ये करेक्ट आंसर हमारे पास ए ठीक है, इंटरनेट पर भी यही बताया जा रहा था, ठीक है। उसके बाद आप इंटीजर हैं और फॉर सम्स इंटीजर्स, तो इफ़ तो फिर हमारे पास कौन सी हैं? तो n इक्वल टू टू के प्लस वन, आपके पास इसका आंसर करेक्ट है। यहाँ पे देखें ये यही क्विज आपसे पूछा जा रहा था, अगर आप देखें इसको गौर से तो फिर आपको पता चले, यहाँ से ये क्विज आपसे पूछा जा रहा था। वो कहता है कि आपके पास ये इंटीजर हैं, ये वाले मैं आपको दोबारा अगेन से इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये देखें इस एन द इंटीजर ऑड है, इफ़ इस आपके पास ये हो तो देन एन इक्वल टू के प्लस वन होगा सम इंटीजर्स। आपकी क्विज के अंदर भी यही बात की गई है, आप दोबारा से चेक करें, देखें इफ़ के अंदर गलती कर दी, लेकिन यहाँ पे क्या है एन टू के प्लस वन, यहाँ पे आपके हैंडआउट्स के ऊपर भी टू एन इक्वल टू टू के प्लस वन इज सम इंटीजर्स हैं। ये लाइनें आपसे पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट्स लाइन्स हैं, ये आप लोगों ने याद कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि एक क्विज मिले तो फिर आपके काफ़ी ज़्यादा क्विज यहाँ से आपको मिलते रहते हैं। तो लिहाजा ये जो है आप लोगों ने ये वाले जो सम कुछ बेसिक चीज़ें हैं ये आप लोगों ने जहन में रख लेनी है, स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो स्क्रीन शॉट भी ले लीजिएगा। आपसे और तरह से भी पूछ सकता है, इवन से भी पूछ सकता है, उससे प्राइम से भी पूछ सकता है, और आपको लेस देन ग्रेटर देन करके रियल नंबर भी पूछ सकता है,
इसी तरह से ये एन एंड डी इंटीजर करके फिर भी आपसे वो पूछ सकता है, ये वाली सिचुएशंस ये सारी आपसे इसी तरह से पूछ सकता है। इंटीजर इज कॉल्ड द परफेक्ट स्केल्स ऑफ ओनली वन एन, ये भी पूछ सकता है सम इंटीजर्स, तो बट आप लोगों ने ये प्रिपरेशन में ज़रूर लेनी है। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्विज क्या है, ये आपका क्विज है, यहाँ से उन्होंने ये स्टेटमेंट स्किप कर दी है। आई थिंक ये क्विज वहाँ से उठाया गया है जहाँ से मैं आप पहले ही बात कर रहा हूँ, लेकिन हम इसको देख लेते हैं दोबारा से कहाँ से है। जी डी स्टूडेंट्स, ये क्विज इन्होंने यहाँ से उठा लिया है, आप लोगों का हैंड आउट्स के ऊपर भी दिखा रही हैं यहाँ पर, इन्होंने यहाँ से उठाया है ये क्विज, आपको दिखाऊँ ये हाईलाइट, ये आप लोगों की स्टेटमेंट्स उन्होंने उठा के आपको पेश कर दी है और ये थ्योरम भी बता दिया है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम जो है वो भी आप लोगों क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम बताया है और सारी चीज़ अनयूनिक इंटीजर है पी एंड क्यू, दैट किसके ऊपर होगा एन इक्वल टू डी डॉट क्यू प्लस आर के ऊपर होगा। आप यहाँ पे देखें, ये देखें एन इक्वल टू डी, ठीक है, क्यू डॉट जो आप लोगों का क्यू है प्लस आर के ऊपर, यही स्टेटमेंट सारी के सारी उठा के आपको उनको दे दी है, उन्होंने कहा है कि ये भाई इसके ऊपर जाके हमें आंसर दें, ठीक है। कितना लॉजिकली पूछा, लेकिन हैंड आउट्स के ऊपर मौजूद है इसका आंसर, आप भी चेक कर सकते हैं। मैं दोबारा अगेन से मैं दिखा भी देता हूँ, ये देख लें, ठीक है, ये आपका एम सी क्यूज यहाँ से पूछ लिया है, तो आप लोगों ने इसी के अकॉर्डिंग जो है कि तैयारी करनी जैसे मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है, इट्स ओके। एग्जाम्पल्स अगर देखना चाहें तो वो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्विज आपके पास ये वाला है और इसके अंदर क्या है कि आप लोगों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर कौन सा है, कॉमन डिवाइडर कौन सा है आप लोगों ने बताना है, ठीक है। तो इसके अंदर से कॉमन डिवाइडर बड़ा यानी कि कॉमन डिवाइडर, अब आपने देखना है कि 30 जो आपका 7 ये आपके एम सी क्यूज में पहले ऑलरेडी आया हुआ है, उसके अंदर आपके करंट एम सी क्यूज गुजरे हैं 10 नंबर के, इस ये 37 को डिवाइड करें 9 पे तो क्या आएगा, 9 पे डिवाइड होता है ना 3 9 27, इसको भी ये भी होता है 72 डिवाइड किस पे 9 पे तो कितना आता है, 9 8 क्या आता है 72 8 जवाब आता है। तो लिहाजा हमारे पास ये दोनों चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, तो लिहाजा हमारे पास कॉमन डिवाइडर कौन सा हुआ 9, तो यहाँ पे 9 मौजूद है आपका, स्पाइस है लेकिन ये जो है अपने आप पे हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये हमने दोनों के ऊपर करना है, तो लिहाजा हमारे पास 9 है, एक तो हो ही नहीं सका, एक पे एक ही आएगा, नन ऑफ दीज भी आ सकता है, ठीक है, ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। यहाँ से आप लोगों का ये उन्होंने कहा है डिफरेंट्स हैं दीज लेटर्स, तो आप लोग ये बताएं इसके अंदर कौन सी हैं, 5 and 3 यानी कि आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, इसको किस तरह से लिखा जा सकता है और क्या है, तो आप ये वर्ड्स आपके हैंड आउट्स के ऊपर मौजूद हैं। जी डी स्टूडेंट्स, इसको आप लोगों ने पता क्या करना है, इसका आंसर जो हमारे पास सी, ठीक है, मज़ीद अगर आप इसको कन्फर्म करना चाहें तो कर सकते हैं 5 and 3। जी डी स्टूडेंट्स, ये क्विज हम कर रहे थे, इसके अंदर से ये वाला जवाब जो है वो रॉन्ग है और इसका आंसर आपके हैंड आउट्स के ऊपर भी दिखाता हूँ, आपका आंसर जो है ये वाला ठीक है, ठीक है, यहाँ से कंट्रोल वी, ये वाला करेक्ट आंसर आपका है, हैंड आउट्स के ऊपर मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये यहाँ से ये आंसर जो आपका जहाँ पर मैंने टिक लगाया है ये आंसर ठीक है। इसकी रीज़न क्या है, रीज़न मैं आपको दिखा देता हूँ, आप अपने हैंड आउट्स के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे देखें, इफ़ द इवेंट्स ऑकर्स इन ए वे, सेकेंड्स इवेंट्स ऑकर्स इन दिस एंड टू वे ऑफ द टोटल नंबर्स वे इन विच जो आप लोगों का है क्यों क्या हो रहा है, वन ऑफ द इवेंट्स क्या है, फर्स्ट सेकेंड्स कैन बी ऑकर्स क्या होगा, एन प्लस वन का स्केयर होगा, ठीक है, यानी एन टू, तो लिहाजा आपका आंसर ये वाला ठीक है, बल्कि मल्टीप्लाई करने के बजाय, ठीक है, ये आंसर जो है मैं आप लोगों को लगा के दिया है, ये वाला गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द नंबर्स ऑफ द की कॉम्बिनेशंस दैट चूज फ्रॉम सेट्स एन एलिमेंट्स कैन बी रिटर्न्स,
तो हम इसको किस तरह से के कम्बिनेशन के अंदर लिख सकते हैं। बड़ा कमाल का क्वेश्चंस हैं के कम्बिनेशन का, तो आप इसको बड़े आसानी से लिख सकते हैं। तो वो आपको हैंडआउट्स के ऊपर दिखा देते हैं हम। असल में वीडियो तावील ज़रूर हुई, लेकिन इसमें मैं आप उनको हर बात को क्लियर करके बता रहा हूँ ताकि आपकी गलती ना हो, आपकी जो है ना कोई गुंजाइश ना रहे। देखें के कम्बिनेशंस आर रिटर्न आल्सो, तो हम किस तरह से लिखते हैं सी की पावर एन एंड सी की पावर नीचे जो है आपका के है, तो यहाँ से क्या लिखा हुआ है, यही आंसर आपका करेक्ट आंसर है। एन के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं, एन ऊपर है के नीचे है, और यहाँ से अगर देखें तो क्या है हमारे पास, एन ऊपर है के नीचे है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। आपका करेक्ट आंसर ये वाला है। इसी तरह से नेक्स्ट चलें तो आपका क्वीज नंबर 17, तो इफ़ द ऑर्डर्स आर नॉट मैटर्स, मैटर नहीं करते, एंड स्पीड इज नॉट अलाउ टोटल ऑफ द वे फ्रॉम द सेलेक्टिंग सम्स फ्रॉम द क्या है नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, तो किसके ऊपर होंगे, आपके हैंडआउट्स के ऊपर हम ये दिखा भी देते हैं। वैसे इसका आंसर जो है हमारे पास एन प्लस के माइनस के और के दिया हुआ है। हैंडआउट्स के ऊपर दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, जिसकी मैं बात कर रहा था ये वाला क्वीज है, उन्होंने कहा है कि ऑर्डर डस नॉट मैटर, किसके ऊपर करते हैं, के सिलेक्शन उन्होंने बताई थी सी प्लस वन, ठीक है, सी प्लस इन टू के प्लस माइनस वन, ये आप लोगों ने टेबल सारा का सारा याद कर लेना है। ऑर्डर मैटर इसके ऊपर कर रहे हैं, और नॉन जो मैटर हैं वो किसके ऊपर कर रहे हैं, ये इन दोनों चीज़ों के ऊपर। और अगर के का कम्बिनेशन अगर इसके अंदर, ये आपका कम्बिनेशन बता रहा है, ये आपके सिलेक्शन बता रहा है, तो आपका के का कम्बिनेशन होता तो फिर हमारे पास एन ओवर के आ जाता, और अगर इसका नॉट मैटर कर रहे हैं हमारे पास तो हमारा फिर सिलेक्शन हो रही है, तो फिर इसके अंदर के प्लस के एन प्लस के माइनस के आपका आंसर जो है, करेक्ट आंसर जो है हमारे पास आ रहा है। तो आप लोगों ने ये चीज़ें जो हैं देख लेनी है, ये चारों को चारों चीज़ें जो हैं वो आपने हाईलाइट कर लेनी है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं, तो लिहाजा हमारे पास आंसर कौन सा है, ये वाला ठीक है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं, ये क्वीज आपका जो है बुक से उठाया गया है, सारे ही बुक से उठाए गए, मैं सारे ही बुक से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो बट आप लोगों ने क्या करना है, इवन तो इसको हमने इसका देखना है, सीरीज है और क्या है, सीक्वेंस है, फंक्शंस हैं, फिलहाल इसका आंसर सीक्वेंस है, लेकिन आपको हैंडआउट्स के ऊपर मैं दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को डाउट किसी किस्म का ना रहे। तो ये देखें, यहां से उन्होंने क्वीज को पिक किया है, और यहां से उन्होंने जहां पे मैंने आप लोगों को बताया है, यहाँ से आप लोग क्वीज को देखें तो आप लोगों को पता चले कि यहाँ से उन्होंने क्या चीज़ स्किप की, बताएं मुझे क्या सी चीज़ स्किप कर दी है, ठीक है। तो यहाँ से ये देखें, सीक्वेंस उन्होंने स्किप की है यहाँ से, तो लिहाजा आपका आंसर कौन सा ठीक रहेगा, ये वाला। यहाँ से ये चीज़ यहाँ से उसने मिस कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वीज की तरफ चलते हैं, इट्स ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्विज आपके पास ये वाला है, और आप लोगों का क्या है, कंप्यूटर लिखा हुआ है, ई आर पा देते तो कंप्यूटर ही हो जाता, ठीक है। तो ज़ीरो माइनस डॉट वन है, तो ये किसके बराबर है, ये माइनस वन के बराबर है, ये आप लोग ट्राई करता हूँ, मिल गया तो, अगर ना मिला तो फिर आपकी किस्मत 1.01, ओहो डॉट, तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, माइनस वन, आप लोगों ने कंफर्म करना चाहें तो कर सकती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलें, हाँ, इतना लंबा काम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग्स नंबर्स, आप लोगों का किसके ऊपर क्या कर रहा है, जनरेट हो रहा है, सॉरी ग्रेटर देन है 4 के ऊपर, तो डी आई ई इज थ्योरम, तो थ्रू, तो इसको देखें तो आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ से भी, हैंडआउट्स के ऊपर से मिल जाएगा,
जी डी स्टूडेंट्स, इसका अगर क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं, 1/3 हमें मिला है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम चेक करें, मज़ीद भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये देखें 1/3 है, अगर 4 से वो ग्रेटर देना है तो हाँ जी है, तो 1/3 आंसर हमारे पास करेक्ट रहेगा। इसी तरह से मज़ीद उन्होंने ये वाला भी क्विज कहा है, और इसके ऊपर आप अगर करते हैं तो 1/9 आ जाता, उसी के साथ ही ये क्विज खड़ा हुआ था। 3 और 11 का अगर आप करते हैं तो ये आप लोगों को उधर से मिल जाएगा, कोशिश करता हूँ फाइल के अंदर भी पड़ा होगा, ठीक है। इसका आंसर जो है 1/9 है, मज़ीद आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसका भी क्वेश्चंस वहाँ पे मौजूद है, वो भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी लिखा चुका हूँ। गेटिंग अब 5 पे करते हैं तो फिर हमारे पास 1/6 आंसर आ जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट क्विज की तरफ अगर जाएं तो वहाँ से अगर हम देखें तो यही फिर वही से क्वेश्चंस पूछा है, लेकिन ये ग्रेटर देन हम 4 से करते हैं तो फिर 1/3 आ जाएगी, यानी 4 से नीचे रहेगा। आप देखें अगर हम इसको कर रहे थे, किसके नीचे हम कर रहे थे, ये हम ग्रेटर देन गेटिंग्स नंबर्स हम कौन से ले रहे थे, 5, तो 5 अगर करेंगे तो 1 हमारे पास एक्स्ट्रा होगा तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अगर हम इसको हाँ प्रोबेबिलिटी जो है ग्रेटर देन रखेंगे 4 से तो 1/3 आ जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट यही बात याद रख सकते हैं, पहले वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से वो 3 और 11 दिया गया है, ठीक है। तो इसका भी वही, अगर आप इसको सम ऑफ द नंबर्स डॉट्स के ऊपर शो करते हैं तो फिर हमारे पास 1/9 आ जाएगा। आप लेक्चर की एक दफ़ा प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी, यानी कि डीपली मैं जाके अभी नहीं समझाने वाला। इसके बाद आप लोगों को ये एक थ्योरम दिया गया है, और ये किसके इक्वल है, तो ये आपका पेपर में ऑलरेडी जो है कि आ भी चुका है, तो आप लोग इसको प्रिपरेशन में लेंगे। तो ये जो है ए यूनियन बी इनटू बी यूनियन सी, तो आप लोगों का ये है। तो फिर बट आप क्या इसका करेंगे, ये वाला ए प्लस बी एंड प्लस सी माइनस ए यूनियन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब टाइम शॉर्ट है, मैं बार बार हैंड आउट्स के ऊपर नहीं जा सकता और दिखा नहीं सकता, और आप लोगों के एक टेबल भी कंसिडर करके दे दिया गया है, ठीक है। और इसके अंदर से आप लोगों ने ये चीज़ें बतानी थी, तो इसके अंदर से टेबल के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें बतानी थी, इसके अंदर से हमारे पास अंतर 0.5 दिया है, 3.4 दिया है, 0.3 अंश का करेक्ट आंसर है। वीडियो कुछ तावील होगी और मेरा गला भी ख़राब हो गया, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा करूँगा। ये लाइन है और ये सेगमेंट ज्वाइन किसको कर रही है, स्कार लूप को कर रही है, तो EDGE को ज्वाइन कर रही है। तो आप लोग इसको नेट पे भी देखेंगे तो आपका यही आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्विज की तरफ चलें तो यहाँ पे आप लोगों को एक ग्राफ ड्रा किया गया है और बताया गया है ए एंड बी एंड सी है, और इसको रिप्रेजेंट किस तरह से हम करेंगे, तो रिप्रेजेंट 2, 3, 1, 2, 0 से करेंगे, ठीक है। किससे करेंगे, 2, 3 आप लोगों का रिप्रेजेंट करेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे डाउट है, मज़ीद आप लोग इसको कन्फर्म कर लीजिएगा। इसी तरह से अगर आपके पास ग्राफ है, वेक्टर ग्राफ है, और इसकी डिग्री 3 है, तो देन वो क्या होगा, देन वो आपका डस नॉट हैव क्या करेगा, करंट। तो बट इसका आंसर जो है हमारे पास ये रहेगा। आप मज़ीद जो है आप कितनी भी कंफर्म करना चाहें तो चीज़ें कर सकती हैं, ठीक है। हम हमारी तरफ से फुल कोशिश होती है कि आप लोगों को मुकम्मल चीज़ें प्रोवाइड की जाएं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का है चेंजिंग द रो ऑफ द मैट्रिक्स, अब हम रो इन टू द कॉलम में, दिस कार्ड हम क्या कहलाएंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर, सॉरी मैट्रिक्स। जब हम रो को कतारों में चेंज करते हैं, कतारों को रो में चेंज करते हैं, और सॉरी कतारों को हम कॉलमों में चेंज करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट मैटर हमारा सॉरी मैट्रिक्स होती हैं, इसके बाद उसे कहते हैं। ये आपका क्विज आप लोगों का हैंड आउट से पिक किया गया है, और ये टू मैट्रिक्स हैं सेट दैट द, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशंस हो रही हैं, तो ए एंड बी एंड फर्स्ट इनको स्किप कर दिया है, तो लिहाजा एक में हमारे कॉलम आएगा, दूसरे पे रो आएगा, ठीक है, पहले कॉलम फिर रो आएगा, ये आपने बात याद रख लेनी है। इट्स ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद द लिस्ट ऑफ डिग्रीज आप लोगों को दे दी गई है, वर्टिकल्स है, और इसका ग्राफ क्या है, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इस क्या कहलाएंगे हमारे पास, इंक्रीज सीक्वेंस कहलाएंगे। तो आप जब ग्राफ जो है इंक्रीमेंट हो रहा था, और दूसरी तरफ जो चीज़ है हमारी इंक्रीमेंट होगी, तो फिर इसलिए हमारे पास इसका आंसर जो है वो बी करेक्ट आंसर रहेगा। आप मज़ीद देखना चाहें तो आप अब नेट के ऊपर भी इसको कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ी स्पीड लगा रहा हूँ, मैंने अपनी तरफ से कंफर्म किए हुए हैं। वन ऑफ द सेट ऑफ ग्राफ, ग्राफ इज़
ठीक है, तो आपका सेट किया गया ग्राफ तो किसके ऊपर रहेगा, इसका आंसर जो है हमारे पास बी, ठीक है। क्वेश्चंस को दोबारा से अगेन से रीड आउट कर लें, स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी होने की वजह से पूरा जो क्वेश्चंस और इसके जो मल्टीपल चॉइस हैं वो अपडेट नहीं हो रहे, तो बट आप लोग इसको मज़ीद जो है वो देख लें अच्छी तरह से। इसका आंसर जो है हमारे पास बी रहेगा। इसी तरह से नेक्स्ट पेज की तरफ चले जाएं तो यहाँ पे देखें तो आप लोगों का एक ग्राफ है और ये पेपर मुश्किल आ रहा है, सही बात बताऊँ ना, मुश्किल आ रहा है पेपर। तो ये क्रॉसिंग किसके ऊपर हो रहे हैं, ए डी जी ई आर, तो फिर क्या होगा हमारे पास जीरो होगा, तो बट इसका आंसर जो है वो हमारे पास ए ठीक रहेगा। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो यहाँ से अगर आप देखें तो ई डी जी ई मालूम करना है और 30 है एंड 20 फेस है, तो फिर हम किसको ऊपर टिक लगाएंगे, हम जो हमारी वर्टिकल्स डज नॉट ग्राफ हैव 12 है, तो 12 इसका आप फाइंड करेंगे तो फिर यहाँ से आप लोगों को चीज़ें को पता चलेगा, ठीक है। मज़ीद जितना भी हो सका हम कर रहे हैं, सॉल्व करके चीज़ें दे रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा, मेहनत करा करें, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, एक डेफिनेशन पूछ ली है, तो बट आप इसकी जो डेफिनेशन आप लोगों ने याद भी कर लेनी है, शायद शॉर्ट्स के अंदर पूछ ले, लॉन्ग से ना पूछे, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, डी ठीक है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। इफ ए ट्री 8 आपके पास हैं, ठीक है, तो इट्स नंबर्स ऑफ ई डी जी आर क्या होंगे, अगर 8 हैं तो हमारे पास नंबर जो हैं वो कितने होंगे, 9 एक प्लस हो जाएगा इसके अंदर से, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएंगे, 8 के अंदर एक प्लस करेंगे तो वो 9 हो जाएंगे, तो बट इसका कॉन्सेप्ट भी आप लेक्चर लेंगे तो फिर वहाँ से पता चलेगा। वैसे अगर क्वीज़ पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर ये बेस्ट है, आप लोगों को इधर से सोल्यूशन जो करेक्ट दिया जा रहा है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ जी, हमारे पास अब लास्ट क्वीज है, लेंथ ऑफ द वॉक ऑफ ग्राफ, तो इसकी लेंथ बताएं कितनी होती है, तो द नंबर्स ऑफ ई डी जी ई एस इन वॉक, ठीक है। तो ये आपके क्वीज 40 के 40 पूरे हुए, ठीक है, और ये देख लें 40 MCQs हमने पूरे कर दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के आल पे क्लिक कर दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी आपसे शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।